तो भाई ये है स्टैंडर्ड मॉडल, इसके अंदर ये आवाज़ है। आवाज़ आ रही है जब आप कंपनी में दिखाते हैं तो बोलते हैं वो यहाँ से ये वाला नट। हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है रॉयल एनफील्ड के झूले के ऊपर है। जैसे कि पहले एक मैं सबसे पहले मेरी वीडियो थी झूले के ऊपर, तो उसमें क्या कहा था, मैंने खाली खोल के झूले के बूझ दिखाए थे। बट इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है कि एक चू चू टाइप की आवाज़ आ रही है। तो आइए पहले आपको दिखाता हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडल आया हुआ है, इसके अंदर झूले की एक आवाज़ आ रही है चू चू दबाने पे गड्ढों पे। और अगर वो आवाज़ के लिए आप कंपनी बंद करना चाहते हैं वो ना नट ढीला कर दे, जिसकी वजह से गाड़ी फिर बबल करती है, पीछे से बबलिंग करती है, जिसके डिसबैलेंस होती है। तो आइए पहले आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है और इससे कैसे बचा जाए और किस में क्या कौन से बुश लगाने चाहिए और कौन क्या क्या करना है इसके अंदर। तो आइए पहले आपको बाइक के पास लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ बाइक। तो भाई ये है स्टैंडर्ड मॉडल, इसके अंदर ये आवाज़ है। आवाज़ आ रही है जब आप कंपनी में दिखाते हैं तो बोलते हैं वो यहाँ से ये वाला नट लूज़ कर देते हैं, फिर आवाज़ बंद हो जाती है। तो वो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें बुश खोलने हैं तो इसका झूला खोलना है, मैं लेंथ लंबी हो जाए इसलिए झूला खोलते हुए दिखाऊंगा नहीं, मेरी पहली वीडियो में खुला हुआ है झूला। तो इसका झूला मैं इतने खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बुश कैसे ठोकना है वो। ये इसका झूला निकाल दिया, इसके ना इसलिए ये वाले बुश हॉस करते हैं इसके, ये वाले बुश। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने ओल्ड मॉडल के बुश डाले थे, तो वही बनाएंगे इसमें। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, पिन निकली है इसकी, देख सकते हैं ये पूरी जंग खाई हुई है, यही आवाज़ करती है। तो इसको हटा के प्लास्टिक वही लगाएंगे इसमें, रबड़ वाले। ये वाले बुश हैं, ये ओल्ड मॉडल के बुश हैं, पुराने बुलेटों में आया करते थे। तो मैं इसको ठोक रहा हूँ, ठोक के वैसे इसको ठोक के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगने बाद कैसा हो जाएगा ये। भाई इसमें बुश ठोक दिए मैंने, और अगर वैसे इसकी एक वीडियो मैंने और बना रखी जिसके अंदर बुश ठोकते हुए दिखाया, उसमें खाली बुश ठोकते हुए दिखाया, काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रहा हूँ कि बुश कैसे ठोकने। आइए इस गाड़ी को फिट करते हैं। फाइनली ये फिट हो चुकी है। भाई प्रेस करेंगे दवाई, भाई कोई आवाज़ नहीं आएगी और बिल्कुल स्मूथ चलेगी। नट लूज़ करने से ये क्या होता है, फिर बबलिंग करती है गाड़ी पीछे से। दोस्तों देखा आपने कि इसको कैसे करना है, और सबसे अच्छा तरीका है पिछली जो लास्ट वाली वीडियो थी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि बुश ठोकने कैसे हैं। मगर उसमें कई लोगों ने बोला था कि भाई इस बुश में दिक्कत है भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होकर फिट करिए। वैसे मैंने जो आपको वीडियो लिंक जो है उसके अंदर मैंने हाथ से हथौड़े से ठोका उसको, आप चाहे प्रेस मशीन से भी ठोक सकते हैं अगर आपके पास इसको ठोकने का कोई जुगाड़ नहीं है। और बिंदास होकर लगाइए, 5-6 साल कहीं नहीं जाता, और प्लास्टिक वाले तो बहुत जल्द जल्दी खराब होते हैं। इनफैक्ट ये जो गाड़ी चली थी कुल 4,000 किलोमीटर चली थी और 1 साल भी नहीं हुआ था और ये आवाज़ कर गई। तो ये कंपनी के पास लेके गए, उन्होंने नट ढीला कर दिया, इसकी वजह से वॉबलिंग करने लगी गाड़ी, तो जो कि सही नहीं है। बस वो तो धक्का देने वाली बात हो गई। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो नट ढीला करके नहीं चलानी है आपको। और दोस्तों बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब किए और मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों इंतजार करिए मैं नए वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।